सो व्हाट्सअप गाइज, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम जा रहे हैं सरचू। सरचू में हम करेंगे आज कैंपिंग, बिकॉज रात होने वाली है और हमें वहाँ पे स्टे करना है। और जो जो भी वहाँ पे एडवेंचरस चीज़ें और मुश्किलें आएंगी, हम वो आपसे शेयर करेंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सरचू और अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपने कैंपिंग टेंट और हम यहाँ पे करेंगे नाइट स्टे। करते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं हमें यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस मिलता है, फिर उसके बाद आपको शेयर करते हैं। अब हम प्रॉपर प्लेस दिखाते हैं अब जहाँ पे हमने टेंट प्लेस करना है। ये हमारी प्रॉपर प्लेस है, टेंट प्लेस करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं, बट हम यहाँ पे खुद का टेंट लगाएंगे। और हम यहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे टेंट अपना प्लेस करेंगे। बाकी यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है और हवा भी बहुत तेज़ चली हुई है। हमारी बन चुकी है अब चाय और अब हम, ये रहा हमारा टेंट। और टेंट के अंदर सोया हुआ बेचारा विक्रम, वो बीमार है, उसको ठंड लगी हुई है। तो ये हमारी क्रेटा कार है और हमने कार इस पोजीशन में रखी है ताकि हमें टेंट को हवा ना लगे ज़्यादा प्रेशराइज से, और हमारा टेंट भी सेफ़ रहे। और बिल्कुल सेफ़ रहेगा हमारा टेंट। और ये है हमारा रमन बना हुआ है शेफ़ दिवेश। पत्थर ले के आ रहा बेचारा, ताकि हम यहाँ पे इसको पत्थर को साइड में रख सकें और इसके ऊपर हम ना फूड आइटम्स रख सकते हैं, जिससे एंट्स वगैरह, चीटियाँ वगैरह ये सब हमारे खाने पे अटैक ना करें। सो गाइस, अब बन रही है हमारी चाय और हम अब करेंगे इनको सर्व करने के बाद फिर उसको हम पियेंगे। यम टेंट में बैठ के पीते हैं हम। चलो भाई, अब पहुंच गए हम टेंट के अंदर और टेंट के अंदर देखो आप कितना ऑसम है। और हम बिल्कुल ही खाएंगे हम मट्ठी, और मट्ठी के साथ साथ खाएंगे हम शक्कर पारे। बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं ठंड के मौसम में। और ये वाह मज़ा ही आ गया, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं शक्कर पारे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। और हम अब अपने फ्रेंड को भी खिलाते हैं। जब तक हमने खाए शक्कर पारे और इतने में रमन और दिवेश ने मैगी बना लाए, वो पता नहीं कितनी जल्दी कैसे बना के लेके आए दोनों, और सीधे ही टेंट में आके खाने लगे मैगी। अब हम खाते हैं मैगी, तो मैगी खा के हम सोएंगे और गुड नाइट दोस्तों। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम हैं अभी दरचू में कैंप लगाया था रात, और अब सुबह के 5 बज रहे हैं। हमें नींद नहीं आ रही थी, ठंड बहुत ज़्यादा है, और अभी हम सोच रहे हैं कि फ्रेश वगैरह हो जाए, फिर उसके बाद चाय पानी पियेंगे और फिर हम बाद चाय बनाते दिखाएंगे कि कैसे रमन चाय बनाता है और कैसे हम अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और बाकी ये मेरा दोस्त दिवेश जा रहा है उधर को कहीं, पता नहीं कहाँ जा रहा है, देखता हूँ मैं इसके पीछे पीछे जाता हूँ क्या करने जा रहा है ये। क्या करने जा रहे इसको लगी है बहुत जोर से वॉशरूम। और ये रमन,
गुड मॉर्निंग बोल के वो चला गया, उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है इस मामले में। तो अंदर एक विक्रम सोया हुआ भारत का। हम इस टेंट में चार बड़े अच्छी तरीके से आ गए थे, ये अच्छी टेंट है वैसे तो, और हमने कार इस तरीके से लगाई थी कि ताकि हमें हवा बहुत तेज आने लगती थी। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ों के बीच में वहाँ पे बर्फ है। थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ आपको मैं, थोड़ी सी रोशनी आ जाएगी, सूरज आ जाएगा, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। और यहाँ पे इतना क्लियर वेदर है ना, आपको रात को सारे ही ऑलमोस्ट स्टार्स दिखेंगे, सारे ही ऐसा लगता है जैसे पूरे स्टार्स ही पहली बार अभी देखे हैं। इतने ज़्यादा स्टार्स मैंने सच्ची पहले नहीं कभी देखे थे, अब देख लिए हम रात। सो गुड मॉर्निंग गाइज, और देखो अब हम यहाँ पे हो चुके हैं दिन बिल्कुल ही, और व्यू इतना ऑसम है यहाँ पे, बट ठंड बहुत ही ज़्यादा है। आप यहाँ पे अपने मोटे मोटे कपड़े लेके आना, और हवा इतनी तेज़ है कि आपको मतलब बिल्कुल ही जमा देगी। तो अंदर सोया हुआ है विक्रम, और आप देखो व्यू बाहर का कितना ऑसम व्यू है। और हमने रख दी है चाय के लिए पानी गैस पे। सुदिवेश है हमारा समझदार बच्चा, वो सुबह सुबह ही उठ के जो खाली बॉटल रात की बची हुई थी वो उठाने लग गया, और उसके बाद उसको एक ब्लैक पेपर में डाल के पॉलीथीन में डाल के उनको एक साइड में रखेंगे हम, और फिर आगे जाके डंपिंग ग्राउंड में फेंक देंगे। ये खाली बॉटल्स सारी हमने उठा दी हैं यहाँ से। तो दोस्तों हमारी होने वाली है अब चाय रेडी, हमने डाल दिया दूध, और अब हम इसको पकाते हैं अच्छी तरह, फिर उसके बाद सबको सर्व करेंगे, डालेंगे सबके कप्स में, फिर खिलाते हैं सबको। और ये उबलने लगी है वैसे थोड़ी थोड़ी, तो उबली गई है मतलब पकने वाली है अच्छी तरह, तो हम करते हैं सबको सर्व अब। तो ऐसी ठंड में आपको हाथ नहीं सेकने चाहिए, अपने हैंड्स को रब करो, अच्छी तरह रब करते रहो ताकि वो ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाए और आपके हैंड गर्म हो जाए। जितने आप इनको सेकोगे, सेको तो मत ही, मैं फर्स्ट ऑप्शन ये बोलता हूँ कि सेको मत, इनको रब करते रहो ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, और फिर आपको ठंड जरा भी नहीं लगेगी, और आप ध्यान रखिए अपना। और बस अब आगे जाएंगे हम, अभी इस टाइम दरचा में है, और यहाँ पे बहुत अच्छे एरिया है कैंपिंग के लिए, बड़ा ऑसम है,
प्लेन एरिया बिल्कुल पहाड़ों के बीच में हमें सही, और अभी बस टेंट पैक करना रहेगा हमारा, बाकी हम यहाँ से ऑल क्लियर करके जाएंगे ताकि किसी को ऐसे लगे ना कि हमने गंद डाला है यहाँ पे, और बिल्कुल क्लियर करके जाएंगे हम बिल्कुल साफ। आपको फिर बाद में दिखाते हैं कि हम कैसे साफ करके जाएंगे यहाँ से, अकेले अकेले बॉटल हर एक चीज़ यहाँ से हम इतनी क्लियर करके जाएंगे ताकि किसी को कोई आगे प्रॉब्लम ना आए। और जब हम नेचर को साफ रखेंगे तभी नेचर हमारा साथ देगा, इसलिए इस ब्यूटी को हमें बचाना चाहिए। ये नेचर ब्यूटी है, ऐसी ब्यूटी कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, और जब तक हम जिम्मेवार नहीं होंगे तब तक कोई जिम्मेवार नहीं होगा। हम खुद को समझाएंगे तभी दूसरे समझेंगे, इसलिए अपनी जिम्मेवारी समझो इसको, और अपना जहाँ भी स्टे करते हो वहाँ क्लियर करो, और फिर उसके बाद आगे ट्रैवल करो। थैंक यू। तो टेंट कर दिया हमने पैकअप, और अब हम यहाँ पे ऑल क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं हम ऑल क्लियर करके यहाँ से निकलते हैं। ऑल क्लियर कर दिया हमने यहाँ से, बिल्कुल ऑल क्लियर कर दिया, कोई गंद नहीं है, और अब हम जाएंगे पांग। आके पांग में मिलते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं क्या एटमॉस्फेयर है, क्या नेचर है, क्या वहाँ एडवेंचरस चीज़ है, तो वहाँ पे जाके देखते हैं। बाकी वी आर गोइंग टू पांग, आगे आपको पांग मिलते हैं। बाय बाय। सो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना, और कमेंट करे बिना बिल्कुल भी मत जाना ताकि हमें अब हमारी गलतियां पता लग सकें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बी रेडी एंड स्टे ट्यून्ड।